मसाला और कॉमेडी फिल्मों के एक्सपर्ट डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा का जादू इधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कायम है और उधर उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। रोहित की फिल्म सिम्बा में उन्होंने अक्षय कुमार की भी एक झलक दी थी और उनकी अगली फिल्म में अक्षय लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का नाम सूर्यवंशी होगा और अक्षय के किरदार का नाम भी वीर सूर्यवंशी होगा। फिल्म में अक्षय एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रमुख का किरदार निभाते नजर आएंगे। रोहित शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपने क्रू के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो में कैप्शन में उन्होंने लिखा, मिशन सूर्यवंशी गोवा रूट पर। जाहिर तौर पर रोहित ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और पहला शूटिंग शेड्यूल उन्होंने गोवा में रखा है। अक्षय को रोहित शेट्टी जैसे निर्देशक के साथ काम करते देखने का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। रोहित शेट्टी सिम्बा के अलावा दिलवाले, सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलमाल सीरीज, बोल बच्चन और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में दे चुके हैं। उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली। उन्होंने अजय देवगन के साथ अब तक सबसे ज्यादा काम किया है। हालांकि सिम्बा और सूर्यवंशी के बाद अब ऐसा लगता है कि रोहित नई और हटकर स्टार कास्ट के साथ काम करने के मूड में है। सिम्बा में उन्होंने अजय देवगन की झलक भी दी थी और ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म की कहानी को उन्होंने सिंघम की कहानी से जोड़ा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और अब तक 240 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।